हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं लेक्चर 5 ऑफ मेटल फॉर्मिंग। इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मेटल फॉर्मिंग का, जिसका नाम है फोर्जिंग। इसका जो पैटर्न रहेगा हमारा फोर्जिंग को कंप्लीट करने का, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी में भी जो कंसेप्चुअल चीजें होंगी वो उसी को ही कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, गेट में कैसे आते हैं, IES में कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं या थ्योरी आती है, और इसरो के क्वेश्चंस भी हम कुछ ना कुछ करेंगे इसमें। तो प्लान हमारा ऐसा रहेगा कि सबसे पहले हम थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फोर्जिंग को देखते हैं, फोर्जिंग क्या होता है। फोर्जिंग एक मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन है जिसमें मटेरियल को कंप्रेस किया जाता है दो डाई के बीच में। दो डाईज होते हैं, एक अपर डाई एक लोअर डाई होती है, उसमें मटेरियल को कंप्रेस किया जाता है। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें जो स्ट्रेस, क्योंकि मेटल फॉर्मिंग हम पढ़ रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका, जो इसमें स्ट्रेसेस लगती है यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा लगती है और अल्टीमेट स्ट्रेस से कम लगती है। तो जो मैंने बात बोली उसको लिख देता हूं, द मटेरियल इज कंप्रेस्ड बिटवीन द टू डाइज एंड द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इस रेंज में स्ट्रेस रहती है और जो फाइनल शेप है कंपोनेंट की, ऐसे दो पीस में हमने एक पीस को रखा और एक डाई होगी, एक इसमें एक लोअर डाई एक अपर डाई होगी, अलग अलग फोर्जिंग ऑपरेशन होते हैं उसमें अलग अलग प्रोसेस होती है, लेकिन मेनली जब हम इसमें जो वर्क पीस होता है उसके ऊपर हम लोड डालते हैं, या तो वो कंटिन्यूअस लोड या ग्रेजुअल लोड हो सकता है या इम्पैक्ट लोडिंग हो सकती है। ठीक है, तो फाइनल शेप ऑफ द कंपोनेंट कैन बी ऑब्टेन्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंटिन्यूअस और इम्पैक्ट लोड। तो देखना होगा कि वो कैसे होगा। अब ये जो मैंने बात बताई है थोड़ा सा आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। जैसे मान लो एक ये डाई है, एक ये डाई है, इसके बीच में तुमने कोई कंपोनेंट रखा है ऐसे। ठीक है, ये मान लो कि ये जो डाई है ये ऐसे के ऐसे ही रहेगी। ठीक है, ये वाला पार्ट मूव करेगा ऐसे नीचे की साइड। आफ्टर दैट अभी मान लो इसकी जो हाइट है HI है और इसका जो डायमीटर है DI है। जब ये पीस ऐसे आएगा तो ये इसका जो डायमीटर होगा बढ़ जाएगा और H की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जब ये पीस थोड़ा सा इधर आ जाएगा तो पीस थोड़ा सा इसका डायमीटर बढ़ जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। मान लो डायमीटर DF हो गया और हाइट कितनी होगी इसकी, यही रिलेशन हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये बहुत सारी टाइप की हमें फोर्जिंग ऑपरेशंस इसमें पढ़ने पड़ते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया, मैं सबसे पहले आपको इसमें फोर्जिंग के बारे में पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ कि क्या फोर्जिंग में, ये तो नॉर्मल सी बात हुई फोर्जिंग के बारे में, अब थोड़ा सा टेक्निकल हम पढ़ते हैं इसमें। तो आप इसको कैसे एक पर्टिकुलर भाषा में कैसे बोलोगे फोर्जिंग को, आप बोलोगे फोर्जिंग इज अ डिफॉर्मेशन प्रोसेस। ओके, एक डिफॉर्मेशन प्रोसेस है किस चीज की, ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स क्या है, मेटल का डिफॉर्मेशन प्रोसेस है। और कौन सी स्ट्रेस लगती है, थ्रू कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। अब ये हॉट भी हो सकती है या कोल्ड फोर्जिंग भी हो सकती है, ये हमें पता है, ये आप नोट कर लो खुद। हॉट फोर्जिंग होगी तो अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा, कोल्ड होगी तो बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा।
अब कोल्ड फोर्जिंग के अपने फायदे हैं, ये भी नोट कर लो। अगर हॉट की बात करें या कोल्ड की अगर मैं बात करूं तो इसकी गुड सरफेस फिनिश है, जो कोल्ड फोर्जिंग है हाई स्ट्रेंथ है इसमें मिलती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ग्रेटर एक्यूरेसी है। ये टिप्स पे होने चाहिए, हर वक्त याद होने चाहिए, ये नहीं कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमें याद ना रहे, पर्टिकुलर हॉट और कोल्ड के बीच में आपको पता होना चाहिए। हॉट फोर्जिंग का भी जो डायरेक्ट याद होना चाहिए, एक तो हमें पता है कि लोअर लोड पे काम कर जाएंगे, ठीक है ना, क्यों, बिकॉज लोअर लोड पे क्यों, क्योंकि हमें पता है एलिवेटेड टेम्परेचर, ये मैंने आपको बताया था, एलिवेटेड टेम्परेचर पे फ्लो स्ट्रेसेस आपकी कम हो जाती हैं, फ्लो स्ट्रेसेस गेट रिड्यूस्ड, इम्पॉर्टेंट, ओके। और जो स्ट्रेन रेट है, स्ट्रेन रेट मतलब डिफॉर्मेशन रेट बोल दो, वो हाई होता है इसमें, स्ट्रेन रेट इज हाई इन हॉट फोर्जिंग, ठीक है, ये सब चीजें हैं। और आपसे एप्लीकेशन भी फोर्जिंग की पूछ सकते हैं। मेनली आज का जो लेक्चर रहेगा, स्टार्टिंग के जो 15-20 मिनट रहेंगे, उसमें हम कह सकते हैं कि बेसिक पढ़ रहे हैं फोर्जिंग का, तभी आगे पढ़ने का फायदा है। एप्लीकेशंस में आप तो पूछेंगे फोर्जिंग से आप क्या बना सकते हो, बोल्ट्स बना सकते हो, टर्बाइन डिस्क बना सकते हो, गियर्स बना सकते हो, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड, तो बड़ा फेमस है कनेक्टिंग रोड का, ओके, ऐसे बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस है, ओके। तो ये सब चीजें बेसिक्स में आ गई फोर्जिंग के, कि क्या फोर्जिंग का बेसिक में क्या आएगा। अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ फोर्जिंग की, तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो हम टाइप्स उसी चीज से डिसाइड कर लेते हैं कि लोड इंपैक्ट लग रहा है, ग्रेजुअल लग रहा है, टाइप ऑफ लोडिंग के हिसाब से जो फॉर्मिंग है हमारी कैसे क्लासिफाइड होगी। एक तो हम बोलते हैं एक हैमर फोर्जिंग, एक होती है हैमर फोर्जिंग, और एक दूसरी होती है प्रेस फोर्जिंग। हैमर फोर्जिंग के अंदर इंपैक्ट लोड लगता है, प्रेस फोर्जिंग के अंदर ग्रेजुअल लोड लगता है, क्लियर। ये मतलब कह सकते हैं क्लासिफाई करने का तरीका है, आप नोट करना चाहो तो कर लीजिए, नहीं तो मैंने तो बता दिया इसमें इतना ही, ठीक है। मेनली जो हमें पढ़नी होती है वो है ओपन डाई फोर्जिंग, और एक होती है क्लोज डाई फोर्जिंग या इंप्रेशन डाई फोर्जिंग। वो किस पे है, ये जो पहली मैंने बताया, चलो इसको नोट करते हैं, प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। जो हमने क्लासिफाई करी फोर्जिंग, वो करी है हैमर फोर्जिंग, हैमर ऑपरेशन के हिसाब से, है ना, कि जो कैसा लोड पड़ रहा है, या ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हैमर फोर्जिंग, इसमें इंपैक्ट लोड लगेगा, ओके। और जो दूसरी है ग्रेजुअल लोड, उसमें क्या होगा, मतलब ग्रेजुअल लोड किसमें होगा, उसे क्या बोलते हैं, पावर फोर्जिंग, जो ग्रेजुअली लोड लगाएगा धीरे धीरे। जो सेकंड है वो किस पे है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल फ्लो, ऑन द मटेरियल फ्लो एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन पंच और डाई, ठीक है। तो ये दो टाइप की, जैसे मैंने बताया ओपन डाई फोर्जिंग, ओपन डाई फोर्जिंग इसमें बड़ा सिंपल है, इसमें वर्क पीस को दो पीस के बीच में, दो डाइस के बीच में रख देते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, मान लो ये अपर डाई है,
और ये लोअर डाई है और इसके बीच में आपने कोई कंपोनेंट रखा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसके अंदर आप क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाओगे, ओपन है ये, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, मटेरियल में कोई भी कंस्ट्रक्ट, ये कौन सी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कह लो अगर इसकी, और ये वाली डायरेक्शन क्या कह लो, लेटरल डायरेक्शन कह लो, तो ऐसा बोल सकते हैं देयर इज नो कंस्ट्रेंट, देयर इज नो कंस्ट्रेंट, देयर इज नो कंस्ट्रेंट टू मटेरियल फ्लो इन लैटरल डायरेक्शन। मतलब लैटरल डायरेक्शन में कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होगा, इस डायरेक्शन में मटेरियल इजिली फ्लो कुछ भी नहीं है। जब ये प्रेस होगा तो इसका जो हाइट है कम होगी और उसका जो डायमीटर है बढ़ेगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर ओपन डाई फोर्जिंग के अंदर एक ऑपरेशन आता है अपसेटिंग, वो भी ऑफसेटिंग का एक ओपन डाई फोर्जिंग ऑपरेशन है, जिसमें कि कोई भी पीस को, वर्क पीस को, जैसे कोई भी बिलेट जिसे हम बोलते हैं, उसमें आप फोर्स लगाते हो दो डाई और पंच, इसको चाहे डाई बोल दो, इसको पंच बोल दो, ऐसा बोल दो, डाई और पंच के बीच में जो बिलेट रखा है उसमें हम मटेरियल को लेटरली फ्लो कराते हैं। कैसे लेटरली वो फ्लो होगा, ठीक है। अच्छा, अगर असलियत में बात करें होता क्या है, ये तो आपको समझ आ गया ओपन डाई में हो क्या रहा है, एक बहुत बढ़िया सी चीज हम पढ़ते हैं। देखो, जो मटेरियल डाई के पास चिपका हुआ, इस बात को ध्यान से समझना, जो मटेरियल डाई के साथ होता है यहां, ये क्या करता है, ये अपने आप को फ्लो नहीं होने देता क्योंकि यहां पर ये से चिपका हुआ होता है। आगे हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, स्लाइडिंग और स्टिकिंग फ्रिक्शन के मॉडल्स पढ़ेंगे इसमें ही। तो ये मटेरियल इसके साथ चिपका होता है, ये अपने ये यहां पर फ्लो नहीं होने देता, लेकिन जो सेंटर वाला ये वाला मटेरियल है सेंटर वाला, ये इजिली फ्लो कर जाता है। तो इस कारण से जब ये ऊपर से लोड पड़ता है तो ये जो पीस अगर ऐसा बनना था, यहां से इस पीस से ऐसा बनना था, मान लो सॉरी इस पीस से ऐसा बनना था, तो ये पीस क्या कर जाता है, ये ऐसे हो जाता है, बैरलिंग हो जाती है इसमें। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बैरलिंग का मतलब क्या हुआ कि पीस सेंटर से तो फ्लो कर जाता है लेकिन यहां से लेटरली डायरेक्शन में फ्लो कर नहीं पाता ड्यू टू फ्रिक्शन, या कह लो यहां पर ये स्टिकिंग फ्रिक्शन को हम यहां पर डील करते हैं, क्योंकि ये तो पीस बीच में हवा में है लेकिन ये वाला पीस जहां पर ये रखा होता है यहां पर क्या होता है, स्टिकिंग फ्रिक्शन होता है, मटेरियल इजिली फ्लो नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं बैरलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अच्छे से नोट कर लेना इसको, इसी चीज को बोलते हैं बैरलिंग। क्लियर, समझ आ गया होगा आपको। इसी तरह से क्लोज डाई फोर्जिंग भी है, जिसमें कि हम इसे इंप्रेशन डाई फोर्जिंग भी बोलते हैं, जिसमें कि आपको शेप्स को पर्टिकुलरली बनाना होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्लोज्ड डाई फोर्जिंग को, इसको इंप्रेशन, क्लोज्ड डाई फोर्जिंग, क्लोज्ड डाई फोर्जिंग। देखिए, क्लोज्ड डाई फोर्जिंग को हम इंप्रेशन डाई फोर्जिंग भी बोलते हैं, इसमें क्या होगा, इंप्रेशंस हम वर्क पीस पे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइज, ठीक है। और ये जो इंप्रेशन है हम कब ट्रांसफर करते हैं, डिफॉर्मेशन के दौरान, जब डिफॉर्मेशन हो रहा होगा तब ये हम इंप्रेशन तुरंत ही इस पे डाल दे, साथ साथ ही, जैसे जैसे डिफॉर्मेशन होगा साथ साथ ही इंप्रेशन उसके ऊपर पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए अगर मैं प्रॉपरली अगर डायग्राम से अगर आपको इसमें बताऊं, अगर इसको प्रॉपरली अगर डिस्कस करें, इसमें मैं पूरा अभी बहुत सारी और बातें इसमें एक एक करके डिस्कस करूंगा, लेकिन बस मैं क्लोज डाई फोर्जिंग को ना आपको जितना मेरे को याद है इसमें अभी इस टाइम पे वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे वर्कपीस कहां रखते हैं और कैसी डाई होती है, इंप्रेशन कैसे बनता है,
ठीक है, ये मान लो ये कोई पीस था ऐसे है ना, चलो उसको छोड़ो, और इसके बीच में हमने कोई पीस रखा ऐसे है ना, और इसके बाद ये होगा क्या, ये अगर ये जब दोनों आपस में ये टकराएंगे आपस में, तो ये जो है यहां पर पीस कैसे बन जाएगा ऐसे, ये पीस निकलेगा। असलियत में तो यहां पर थोड़ा सा गैप भी हम दे के रखते हैं, वो मैं अब अच्छे से आपको बताऊंगा ही। ये आप क्लोज्ड इंप्रेशन डाई फॉर्जिंग या क्लोज्ड डाई फॉर्जिंग को बस पर्टिकुलर नाम सुनते सार जो दिमाग में आता है वो ऐसा होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्लोज्ड डाई फॉर्जिंग के अंदर आप कंटिन्यूअस लोड और इम्पैक्ट लोड दोनों लगा सकते हो, कोई भी लोड आप कंटिन्यूअस या कह लो जो भी मैंने बताया था ग्रेजुअल लोडिंग वो भी लगा सकते हो और इम्पैक्ट लोड भी आप इसमें लगा सकते हो। क्या वर्कपीस की थिकनेस से कैसी एक्यूरेसी आपको चाहिए वो उस चीज पर डिपेंड करेगा, क्लियर। अब क्लोज डाई फोर्जिंग के अंदर अब ये इतना आसान भी नहीं है कि इसमें कुछ पीस बनते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कैसे असलियत में होता क्या है ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो अगर जैसे कि अब डायग्राम से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, देखो जब ये पीस बना ना, मान लो कि ऐसा एक पीस बनना था, कोई भी इस टाइप का कंपोनेंट आपको बनाना था, इस टाइप का कंपोनेंट, ये हाफ पार्ट है ऐसे, ये फाइनल कंपोनेंट है मान लो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम कुछ अलग से चीजें देके रखते हैं, जैसे कि यहां पर एक होता है ओके, इसको बोलते हैं गटर, जहां पर ये कुछ ना कुछ एक्सेस मटेरियल इसमें से निकलता है, और ये कौन सी लाइन होती है, पार्टिंग लाइन, और इस एक्सेस मटेरियल को क्या बोलते हैं, फ्लैश बोलते हैं, ऐसे कुछ एक्सेस मटेरियल यहां से निकल जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैश, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ एक्सेस मटेरियल जरूर निकलेगा, अभी उसको हम पढ़ेंगे। और कुछ ना कुछ ये जो पीस होते हैं इसको कुछ ना कुछ आप यहां पर कुछ ना कुछ किसी ना किसी एंगल पे होता है अल्फा पे, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट एंगल, कुछ ना कुछ एंगल इसलिए देख रहे ताकि ये इजीली निकल जाए, क्लियर ओके। अच्छा ये पीस को, ये फाइनल हमारा कंपोनेंट था, ये जो मैं जिसको ये मार्क कर रहा हूं, ये हमारा ये आई शेप का ये कंपोनेंट था, क्लियर है। तो ये दोनों के दोनों हम इसमें दे के रखते हैं, और ये ड्राफ्ट एंगल होता है, ये वाली अपर डाई है और ये लोअर डाई है, काफी कुछ आपको इसमें आइडिया हो रहा है वो फोर्जिंग में हो क्या रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा डीप में इसको बढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया कि मैंने डायग्राम एक बार बनाने का, तो आपको थोड़ा थोड़ी बातें मैं इसमें समझा देता हूँ कि कुछ स्मॉल गैप हम इसमें देके रखते हैं, जैसे कि मैंने बताया फ्लैश कटर इसको बोलते हैं, इसका काम क्या है कि जो एक्सेस मटेरियल होता है वो इस कटर के अंदर आ जाता है और क्या बनाता है, फ्लैश बना देता है, इसको बोलते हैं फ्लैश। फ्लैश बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब हम देखेंगे फोर्सेस पे भी इसका डिपेंड होगा, वो देखते हैं कैसे कैसे, लेकिन आपको आइडिया हुआ कैसे होता है। अब हम डिटेल में आते हैं कि कैसे फ्लैश का क्या इम्पोर्टेंट काम है, जब वर्कपीस डिफॉर्म हो रहा होगा डाई के अंदर तब फ्लैश का क्या काम है। तो मैं ये बात को लिख देता हूं, फ्लैश हैज अ इम्पोर्टेंट रोल, हैज अ इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन ऑफ द वर्कपीस, ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन ऑफ वर्क पीस
ड्यूरिंग द ऑपरेशन, फोर्जिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखते हैं क्या है ये भला। अब देखो फ्लैश के अंदर क्या बात होती है, और ये सब चीज हम बाद में मैथमेटिकली भी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, जैसे जैसे लेक्चर्स हम आगे पढ़ाते रहेंगे। जैसे मैंने बताया फ्लैश की एक खास बात है, इसकी हाई लेंथ टू थिकनेस रेशियो रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैंने बताई है, एल अपॉन एच कह लो या एल अपॉन टी जो है, लेंथ टू थिकनेस मतलब इसकी लेंथ ज्यादा, थिकनेस बहुत बारीक होती है ये। तो इस कारण से जब लेंथ ज्यादा होती है, इस दौरान जो फ्लैश मतलब इसके अंदर गटर के अंदर, फ्लैश गटर के अंदर फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इज वेरी हाई इन द फ्लैश गटर। मैं अपनी भाषा में लिखवा रहा हूं, साथ साथ आप नोट करें क्योंकि इसके लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, सब्जेक्ट ऐसा है कि साथ साथ नोट्स लिखवाने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। टाइम जरूर ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली लेक्चर्स लंबे बनेंगे, बट कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया जब फ्रिक्शन ज्यादा हाई है तो वर्क पीस तो देखो डिफॉर्म होगा ऑब्वियसली, चाहे वो प्रेशर ज्यादा, फोर्स तुम ज्यादा लगा रहे हो कम लगा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, चाहे ज्यादा लगा रहे हो लेकिन जो है वर्क पीस तो डिफॉर्म होगा। ठीक है, फ्रिक्शन है कोई बात नहीं, तो हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसी कारण से ड्यू टू दिस द मेटीरियल, जैसे मैंने बताया द मेटीरियल जो फ्लैश कैप में ठीक है उस पर क्या होता है, इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। ठीक है, जो वो हाई, अब ऑब्वियसली जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हाई रेजिस्टेंस होगा फ्लो को, फ्लो इजिली नहीं होने देगा। ठीक है, तो इस चीज से क्या होगा, जो अब मैंने बताया ना इस वाले हिस्से में फ्लैश ऑब्वियसली बाहर की साइड जाने नहीं देगा क्योंकि उस साइड पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो जब ये साइड वाला मटेरियल इजिली फ्लो नहीं होने देगा, मैंने कहा ना फ्रिक्शन ज्यादा है ऑब्वियसली ज्यादा प्रेशर लगेगा इधर से, लेकिन इस चीज से हमें एक फायदा मिलेगा, जो डाई की जो कैविटी है जो हमें ये वाला हिस्सा भरना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, बुक जहां से भी ये पढ़ा जा रहा है तो नोट्स से थे मेरे पुराने, और ये जो नोट्स बनाए थे अमिताभ एम घोष की बुक है, आईआईटी जो खड़गपुर के जो प्रोफेसर है उसी में साफ साफ अच्छे से लिखा है। तो ये पीस तो हमारा इतना था। इस फ्लैश को, फ्लैश में जैसे मैंने कंसेप्ट बताया ये इजीली फ्लो नहीं होने देगा तो डाई फिलिंग हमारी इजीली हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं हॉट फोर्जिंग की बात करूं तो उसमें जो फ्लैश होती है, जो फ्लैश होगी वो अर्ली कूल हो जाएगी। सही बात है, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि उसकी थिकनेस कम होती है, वो साइज में स्मॉल होती है, तो ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज से क्या हमें फायदा मिलेगा कि जो फ्लैश का जो रेजिस्टेंस है फ्लो, जो रेजिस्टेंस जो फ्लैश आपका फ्लो करना था वो उसका क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा क्योंकि वो ठंडी हो जाएगी, हॉट फोर्जिंग के दौरान बात कर रहा हूं, तो वही डाई फिलिंग इजिली हो जाएगी। तो इससे जो वर्क पीस का जो आप फोर्स लगा रहे हो वो भी उस टाइम पे, क्योंकि जब फोर्जिंग पे यहां पर जब ये फ्लैश इजिली फ्लो नहीं होने देगा मटेरियल को यहां पर, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है, हाई लेंथ टू थिकनेस रेशियो है, तो इस कारण से क्या होगा कि जो डाई फिलिंग है वो इजिली हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया हॉट फोर्जिंग के दौरान ठंडी भी जल्दी हो जाएगी, तब भी यही बात ही रहेगी। ठीक है, तो इस कारण से जो डाई कैविटी इजिली फ्लो हो जाएगी और इंट्रिकेट पार्ट्स भी, डिफिकल्ट पार्ट्स भी आप कैन बी मेड यूजिंग दिस मेथड।
by using this method. ठीक है, क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, शायद आपको समझ आया होगा. तो अच्छा, ये जो फ्लैश है, अब ये जो फ्लैश, अब ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट तो आपका ऐसा बना, मैं जल्दी से बना के दिखा देता हूँ. मान लो ऐसा एक कंपोनेंट आपने बनाया, साथ में ये फ्लैश अटैच हो जाता है. जब आप इसमें थोड़ा सा निकालोगे, इसको बाद में क्या कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं. ठीक है, अपने हिसाब से ट्रिम कर दे, जैसा आपको कंपोनेंट चाहिए, ये वाला हिस्सा आप ट्रिम कर दोगे. तो बचा हुआ जो भी कंपोनेंट होगा, जो मैं ब्राउन कलर से हैश कर रहा हूं, ये आपको फाइनल कंपोनेंट आपको इसमें मिल जाएगा. ठीक है, तो फ्लैश का बहुत इंपॉर्टेंट काम था, तो ये आपको समझ आया होगा. ओके, तो जैसे मैंने बताया, इसके कुछ फायदे भी हैं, कि जो क्लोज्ड डायमेंशनल एक्यूरेसी इज ऑब्टेन्ड, क्लोज डायमेंशनल एक्यूरेसी इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग क्लोज डाई फॉर्जिंग. बट एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें हायर लोड्स, फॉर्जिंग लोड्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, और इसमें कुछ ड्राफ्ट एंगल, आपको जैसे मैंने बताया था, ड्राफ्ट एंगल जो है लगभग 5 डिग्री का रखते हैं, ताकि जो पीस है वो इजीली बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर उसकी जो फिनिशिंग है वो खराब हो जाए. ठीक है, ताकि इजीली वो निकल जाए. अच्छा, एक और काम करके रखते हैं इसमें, जिन्हें आपको पता होना चाहिए, ईएस वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, डाई की प्री हीटिंग करके रखते हैं. वो उससे क्या फायदा होगा, चिलिंग इफेक्ट को नहीं होने देगा. डाई का जो चिलिंग इफेक्ट है, थोड़ा सा पहले से उसको गर्म करके रखेंगे, तो उससे क्या होगा, जो फ्लो स्ट्रेसेस होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी, जो बिलेट जो भी आपने पीस रखा उसके चारों तरफ. उससे क्या होगा, जैसे मैंने बताया, अगर मैं इसको नोट करूं, अगर आप इसको गर्म करके नहीं रखेंगे, अगर आप प्री हीट करके नहीं रखेंगे, तो जो डाई है, ठीक है, अब डाई है, अब इसके ऊपर तुमने बिलेट रखा है, ये ऐसे पीस रखा है, ये ऊपर अपर डाई है, लोअर डाई है, आप उसको थोड़ा सा प्री हीट करके रखते हैं, उससे क्या होगा, चिलिंग इफेक्ट नहीं होता. क्योंकि चिलिंग इफेक्ट से क्या होता है, कि वो जो बिलेट के चारों तरफ, क्योंकि डाई का ही एटमोसफेयर है, यहां पर इसके चारों तरफ क्या, क्योंकि ठंडा एटमोसफेयर रहता है, तो ये इसकी फ्लो स्ट्रेसेस बढ़ा देता है. तो उससे क्या होता है, कि मटेरियल इजिली फ्लो नहीं हो पाता. हमें चाहिए मटेरियल इजिली फ्लो हो. अगर फ्लो इजिली नहीं होगा, तो इनकम्प्लीट फिलिंग हो जाएगी या क्रैकिंग हो जाएगी किसी भी टाइम. ठीक है ना, तो ऐसा होता है. इसमें एक बहुत ही शानदार इसमें डायग्राम है, लोड का और स्ट्रोक का, क्लोज डाई फॉर्जिंग का, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ. वो बहुत अच्छा लगेगा आपको, कि कैसे कैसे ऑपरेशन हुआ और कितने डीप में हम इसमें पढ़ सकते हैं इजीली. यहां पर आएगा फॉर्जिंग लोड और यहां पर आएगा स्ट्रोक. तो यहां पर क्या होता है, कि कॉन्टेक्ट जो है वर्कपीस का, यहां पर आपने रखा वर्कपीस और डाई का, यहां पर कॉन्टेक्ट हुआ और धीरे धीरे स्ट्रोक आपका आगे चला, तो लोड भी आपको धीरे धीरे यहां पर ऐसे बढ़ाना पड़ेगा. यहां तक क्या हुआ, जहां तक एक पॉइंट तक तुम आगे बढ़ा देते हो, यहां पर इस पॉइंट पे आके फ्लैश बनना शुरू हो जाता है. फ्लैश बिगिंस, इस पॉइंट पे आके फ्लैश बिगिन हो जाता है. और जैसे ही मैंने बताया, फोर्जिंग लोड फ्लैश बनने के बाद ज्यादा बनता है, वही इतनी तपसी राम कथा में सुना रहा हूं. और ये हाई पे बहुत ज्यादा लोड लगाना पड़ता है, और इस पॉइंट पे आके डाई क्लोज हो जाती है. इस पॉइंट पर क्या होती है, डाई क्लोज हो जाती है, कंप्लीट फिलिंग हो जाती है. और यहां पर इस पॉइंट, यहां तक मतलब आते आते यहां पर डाई की कंप्लीट फिलिंग हो जाती है, फ्लैश यहां पर बनना शुरू होता है. क्लियर? तो ये था लोड स्ट्रोक डायग्राम, कहते हैं इसको. ठीक है, इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, और कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि बहुत थियोरेटिकल सा लगता है, नहीं तो अगर आपको इसको इस तरीके से पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा चांसेस है चीजों को ज्यादा देर तक याद समझने के लिए.
ठीक है, तो बाकी और भी सब बातें वो आप बुक से देख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, एक इसमें लोड की बात आती है, फोर्जिंग जो फॉर्मूलेज है कुछ, बाकी हम इसमें एक एक फॉर्मूले को डीप में पढ़ेंगे और इसके सारा एनालिसिस करेंगे कि जो फॉर्मूले इसमें आते हैं, फॉर्मूले जो है मेनली फोर्जिंग फोर्स के, उसको आप नोट डाउन करें। बाकी ये मैं अभी लिखवा दे रहा हूं, एक एक को हम बाद में अच्छे से डील करेंगे। फोर्जिंग फोर्स जो इनिशियल रहता है, इनिशियल सिग्मा वाई गुना ए नॉट यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, और फाइनल फोर्जिंग फोर्स, फोर्जिंग फोर्स फाइनल, उसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा वाई तो रहती है, बस एरिया क्या होता है, फाइनल एरिया हो जाता है, क्लियर। और इसी तरह से एवरेज, अगर फोर्जिंग फोर्स कोई पूछता है आपसे एवरेज फोर्जिंग फोर्स, तो आप इन दोनों को क्या निकाल दोगे, एवरेज निकाल दोगे, ए नॉट प्लस सिग्मा वाई ए एफ अपॉन टू, ठीक है। अच्छा, फोर्जिंग की कई बार एफिशिएंसी भी कई बार क्वेश्चंस में दी होती है, फोर्जिंग एफिशिएंसी, तो आपसे एक्चुअल फोर्जिंग लोड पूछ लेता है, तो एक्चुअल फोर्जिंग लोड क्या बताओगे, एक्चुअल फोर्जिंग लोड क्या बताओगे, फोर्जिंग लोड मतलब एवरेज फोर्जिंग लोड अपॉन एफिशिएंसी, कहां कितने तक रहती है, 40-60% के बीच में इसकी एफिशिएंसी रहती है, क्लियर। तो ये चीज थी फोर्जिंग में, हमने मेनली कोशिश ये की है इस लेक्चर में, एक बेसिक सा लेक्चर मैंने इसमें बनाया, लगभग दो लेक्चर और बनेंगे इसमें, तभी अच्छे से कवर अप होगा फोर्जिंग का ऑपरेशन। आज इस वाले लेक्चर में तो हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है, और बेसिक भी को प्योर थ्योरी नहीं पढ़ी, कोशिश ऐसे की है कि ज्यादा चीजें हमें समझ आए, ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में प्योर वो लोग कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, उसमें हम एनालिसिस करेंगे कैसे मॉडल्स इसमें डिफरेंट डिफरेंट बनाए जाते हैं, कैसे फोर्जिंग का फोर्स होता है स्लाइडिंग के हेल्प से, विद द फ्रिक्शन मॉडल होता है उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन मॉडल और स्टिकिंग फ्रिक्शन मॉडल, उसमें कैसे निकालते हैं, डिस्क के दौरान कौन कौन से फॉर्मूले हैं, पूरा प्रूफ तो शायद मैं ना कराऊं, मेन मेन जो फॉर्मूलेज हैं, कैसे वो आए हैं, कैसे कैसे उनका एनालिसिस हुआ है, वो सब चीज हम इसमें देखेंगे, कौन कौन सी थ्योरीज ऑफ फेलियर लगेगी वो भी हम देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।